दोनों ये कुछ ऐसी डंडिया, और देखो इसने डंडी के ऊपर का डंडी ऐसी नहीं मेरे थी। इससे मैं ना दर्द हो रहा है यहाँ पे। और आज जो छानी घर पे एक्चुअली जा रखा था कहीं, तो उसका नए का भी मन नहीं लगा। क्योंकि जब से इसको स्कूल, क्योंकि अब बड़ी क्लास में आ गया ना, तो थोड़ा इस पे भी पढ़ाई का मैं यहाँ लोड पे आ पानी गया पीने था। लग रहा हूँ, क्योंकि भाई आज पूरे दिन मैंने ना तो से पानी इतनी तगड़ी आदत थी ढोल की, मतलब अगर बैठे है ना मत्तर कन्हैया यार, मान भी और मैं जाएगा आपको अब यार। बताता हूँ कि आज का व्लॉग इतनी लेट क्यों और स्टार्ट हो रहा है, पानी की इतनी पूरी कमी पूरी कर देगा। ये देखो ना मस्त लग रहा है, ये देखो शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। सब्जी तो हे गाइस, दिस इज शर्मा, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग ना देखो कितने ज्यादा लेट स्टार्ट हो रहा है। मैं एक बार आपको टाइम दिखाई देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो ये देखो खुल गया फोन, 7:30 बजे आज का व्लॉग शाम के स्टार्ट हो रहा है। और वो क्यों स्टार्ट हो रहा है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। बस मैं भी गया था सुबह, पूरे दिन हो गया, आज मेरे को भारी था। मैं कहाँ गया था मैं आपको बताऊंगा, अभी रुक रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। और अभी अभी बस जस्ट मैं आया हूँ। देखो मैंने अभी कपड़े भी नहीं बदले, वैसे ही बैठा हूँ मैं पैंट और शर्ट में, और मस्त अभी आके यहाँ पे पानी पीने लग रहा हूँ। क्योंकि भाई आज पूरे दिन मैंने ना पानी नहीं पिया बिल्कुल भी, पिया था एक गिलास पिया था बस, फिर उसके बाद नहीं पिया, और बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। ठंडा पानी बिल्कुल, मैंने थोड़ी देर बैठा फिर पिया, एकदम से फ्रिज में से आते नहीं पिया वरना तबीयत खराब हो जाती। तो वैसे भी नॉर्मल पानी है, मिक्स करके पी रहा हूँ मैं। और बस इस पूरी बोतल को मैं अभी पीऊँगा, क्योंकि भाई पानी की कमी नहीं होनी चाहिए पूरे भी शरीर में, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। भाई साहब मैं जब निकला ना तो मुझे पता चल गया कि गर्मी बहुत नेक्स्ट लेवल की हो रही है, तो पानी की ज़रूरत मतलब बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और अभी मैं जैसे बैठा पानी पीने लग रहा था, तो मम्मी भी लेके आ चुकी है मेरे लिए खीरा, नींबू और मसाला। तो क्या वो तो और पानी की पूरी कमी पूरी कर देगा। ये देखो ना मस्त लग रहा है, नींबू इसमें है, खीरे पे नमक लगा के कतई तगड़ा लग रहा है। और ये देखो यहाँ पे कन्हैया मेरे को आते कह रहा कि आज कहाँ गए थे, है ना। और ये तेरे ठोड्डी पे क्या लग रहा है? अच्छा तो ये ना इसने सुक्का रो मीठा आता है ना, जो सुक्का वाला, मतलब सुक्का ही आता है, इसने वो ही पेल दिया सुक्का ही। ये दूध दूध में डालते हैं ना बोरमीठा, इसने वो है ना चम्मच से खा गए सुक्का। पता नहीं क्या मजा आता है इसको, दूध में भी पीता है वैसे भी सुक्का भी खा जाता है। अब देखो साफ करने लग रहा है, तो अभी पहले मुंह हाथ धोता हूँ फिर आपसे मिलूंगा। एक उससे पहले जो भी चैनल पे नया है सब्सक्राइब जरूर कर ले, या अभी तक हमारे फैमिली से नहीं जुड़ा है नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबा के हमारी फैमिली से जुड़ जाओ। और साइड में बेल आइकन का रखो उसको भी ऑल पे कर देना, जिससे कि आपको सबसे पहले ये देखो कैसे करता है, तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये काम जरूर से जाके करो, और व्लॉग के लिए लाइक का बटन दबा दो यार। कह रहा है सब कब सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब तो करना ही है, पूरी वीडियो देख लोगे तो यार कर दो यार, इस बच्चे की बात तो माना करो यार, क्यों नहीं मानते आप, तो मानो इस बार। चलो यहाँ पे मम्मी बैठी है मस्त अपना प्याज काटने लग रही है। ये देखो शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट हो रही है, सब्जी तो बन गई होगी। तो दोस्तों मैं फ्रेश होके आ चुका, मैंने मुंह हाथ भी अपने धो लिए क्योंकि बहुत मिट्टी मिट्टी लग गई थी मुंह पे, और अब ठीक लग रहा है। और अब हो चुका है खाने का भी टाइम, तो देखो मस्त यहाँ पे कूलर चल रहा है और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और अपना खाना भी आ चुका है। एक बार मैं आपको तो मस्त आप अपने आज नमकीन चावल है और सोयाबीन के साथ, और जहाँ सोयाबीन आ जाती है ना मुझे वो भी मस्त लगती है, मतलब सोयाबीन भी मेरी फेवरेट ही है एक तरह से, है ना। और देखो अपना रायता है और छोले है, और ये रहा भैया मस्त यहाँ पे बैठा है। हेलो गाइस, तो गाइस आज व्लॉग बनाने में थोड़ा लेट हो गया है, तो आज किसी कारण से हो गया, वो आपको बताएंगे अगले आगे व्लॉग में, आप बने रहिए व्लॉग के साथ। तो फिलहाल अभी हम खाना खा रहे हैं, और इसका खाना आ चुका है जो मेरा भी आ रहा है, मुझे भूख लगी बड़ी तेज। और फिलहाल कन्हैया भी बैठा एंजॉय कर रहा है, और आज जो छानी घर पे एक्चुअली जा रखा था कहीं, तो उसका नए का भी आज मन नहीं लगा, है ना कन्हैया। तो भैया का भी खाना आ चुका है, गाइज अपना खाना पीना भी कंप्लीट हो गया है। और मैं आपको अब बताता हूँ कि आज का व्लॉग इतनी लेट क्यों स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली मेरे पेपर स्टार्ट हो गया है, तो बस आज मैं पेपर देने जा रखा था, और इस वजह से व्लॉग आज का लेट स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे देखो कन्हैया मेरे को मतलब मेरी आवाज़ ना आए इसलिए, है ना, फोल्डिंग पे है ना तेज तेज अपनी लात मार रहा है जिससे कि इसकी आवाज़ आए। ये देखो यहाँ पे मत कर कन्हैया यार, मान भी जा गया यार तो कुछ बात, ये देखो तोड़ेगा किसको यार, ये कन्हैया तो बिल्कुल नहीं मानता। और मैं खाना पीना खा के घूम के भी आ चुका हूँ, मैं ऊपर ही घूम लेता हूँ बेसिकली, उससे क्या है थोड़ा बहुत हजम भी हो जाता है खाना, और वो सही रहता है फिर, है ना।
और देखो यहाँ पे मस्त अपना इस कमरे में पाजी कूलर चढ़ा के इस कमरे की कूलर की ठंडी हवा वन ले रहे हैं, लग रहे हैं। ये देखो अपना फोन में लीड लगा ली कानों में लगा के और मस्त भजन सुनने लग रहे हैं। ये है ना अभी कन्हैया ना मेरे से है ना ढोल मांगने लग रहा है जो इसका यहाँ पे टंगा हुआ है ना, ये रहा है ना। और काफी दिनों के बाद ये कह रहा है कि आज मुझको ढोल बजाने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा चल ले रखा है थोड़ा सा बजा ले, क्योंकि काफी दिन हो गए इसको भी, इसने बहुत टाइम हो गया मतलब भूल गया था एक तरह से ढोल बजाना, वरना पहले तो इसे इतनी तगड़ी आदत थी ढोल की, मतलब अगर बैठा है ना तो कभी अपने पेट पे बजा रहा है ऐसे करते ढीक लक लक ढीक, और मस्त बोलता था मुंह से बजा देता था ढोल, इतनी तगड़ी इसको आदत थी ढोल बजाने की। और वो आदत अब तो बंद हो गई थी जब से इसको स्कूल, क्योंकि अब बड़ी क्लास में आ गया ना तो थोड़ा इस पे भी पढ़ाई का लोड आ गया था, तो पहले बच्चा था छोटा था तो उस टाइम खाली रहता था ढोल ही सूझता था इसको, अब थोड़ा स्कूल का काम वाम स्कूल के चक्कर में कहाँ ढोल वोल सब भूल गए थे। और आज कहने लग रहा है तो मैं इसको दे देता हूँ ये टंगड़ा यहाँ पे इसका ढोल लेकर नहीं आ, कह रहा कि मैं आज बहुत दिन के बाद बजाऊंगा। और इसकी डंडी भी थी ना, डंडी देखता हूँ मैं कहाँ पे है, अच्छा ये पड़ी डंडी भी यहाँ पे दोनों, ये कुछ ऐसी डंडी। और देखो इसने डंडी के ऊपर का डंडी ऐसी नहीं थी, इसके ऊपर एक वो होता है ना जो कुछ मोटर टाइप था वो गोल गोल सा लगा होता, वो ऊपर से टूट गया है और इसने देखो कैसी कर दिया घिस दी पूरी, ऐसी करता है यार ये कुछ भी कर देता है। और देखो आज काफी दिनों के बाद इसने अपनी डंडी उठाई है, चल बजा के दिखा कन्या आज। आप भी क्या हो गए कि काफी दिन हो गए थे कन्या को देखे हुए ढोल बजाते, भूल गया है ये मुझे लगता है, वरना पहले तो बहुत एकदम ताल लगाता था। ये है ना भूल चुका है कन्या, वरना ये ऐसे नहीं बजाता था, इसकी है ना एक लय चलती थी बजाने की, और वो अब ये भूल गया है, अब तो बस ये है ना हवा में तीर चला रहा है, होता है ना ये देखो। नहीं नहीं वो नहीं है, जैसे पहले ही बजाता था ना इसका हाथ, अगर आप देखते हैं ना इसका हाथ बिल्कुल जैसे वो बजाते हैं ना बड़े वाले जो ढोलक जो ढोल बजाते हैं बड़े जो होते हैं ना विस्के, वैसे हाथ चलता था बिल्कुल। और अब तो काफी इसका फर्क हो गया है, भैया देख इसने आज ढोल मांगा है तो कह रहा है आज काफी दिनों के बाद बजाऊंगा, और वो नहीं बजा रहा ना जैसे पहले बजाता था। अबे नहीं जैसे कि ये पहले पहले जैसे इसका हाथ चलता था, क्या हो गया यार ये भैया के दिक्कत बन गई लगता है इसने आइसक्रीम, मुझे लगता है जो ये अपनी दवाई लेने लग रहा है खांसी की, इस मौसम में क्या है ना ठंडा पानी की करता है पीने का मन और वो ही थोड़ा गड़बड़ कर जाता है। मैं कह रहा हूँ जैसे कि ये देख इसका है ना पहले जैसे ढोल बजाता था कि लय चलती थी ना इसकी, तो वो नहीं है इसके लट्टू से तभी आएगा। अबे लट्टू नहीं वैसे भी देखे देख, अब इसकी आदत छूट गई है, अब इसकी है ना आदत छूट चुकी है, जैसे पहले बजाता था वो मजा नहीं है। अच्छा तो गाइज ये देखो भैया जो हल्के में ले रहा था कन्हैया के दांत को लेके, और वो भैया को अब भारी पड़ गया है, तो डैमेज तो करेगा ही है। गाइज अभी मेरे इस चीज से मैं ना दर्द हो रहा है यहाँ पे, कल एक्चुअली क्या हुआ ना कि कन्हैया ने अपनी बंदूक फेंकी और वो भी प्लास्टिक वाली, वो सीधा मेरे है ना पैर पे आके लगी और वो भी हड्डी पे, तो बस उस पर थोड़ा दर्द हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है चलने में, कोई दिक्कत नहीं है बस छूने से दर्द होता है, और लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ दर्दपन हो रहा है थोड़ा बहुत मीठा मीठा से दर्द, तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत ये लगा रहा हूँ ये जो है ना ओमनी जेल, इससे थोड़ा आराम लगेगा और ये बहुत मतलब तगड़ी रहती है, मतलब सही रहती है वाली, ये लगा दूंगा और एक ही बार लगाऊंगा बस मैं इसको, और ये असर अपना दिखा देगी कमाल कर देगी, और उसके ऊपर ये पट्टी बांध दूंगा और फिर पैर को बहुत आराम लगेगा उससे ठीक हो जाएगा, रात रात में कल लगाने की जरूरत नहीं है उसे, अभी लगा के सो जाऊंगा और ठीक हो जाएगा। और बस अब रात काफ़ी हो गई है 10:30 बज चुके हैं, और अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, व्लॉग में कुछ इतना खास करा नहीं और ज़्यादा बड़ा व्लॉग भी नहीं है, छोटा सा व्लॉग है पर देख लेना यार ठीक है, क्योंकि पूरा दिन से मैं बाहर था तो नहीं बना पाया, शाम को आया था मैंने स्टार्ट कर दिया, और व्लॉग में मज़ा आया तो लाइक कर दो शेयर कर दो कमेंट कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप समझदार, आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है ज़रूर से जाके कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, जाके करो और व्लॉग के लाइक का बटन दबा देना, और बस जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ मज़ेदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।